हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बज़ाहिर बहुत सिंपल सा है. प्रोग्राम विच इनपुट्स टू नंबर्स एंड फाइंड्स आउट देयर LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. इसको हम कह देते हैं दैट्स इट. स्यूडो कोड कोड एनालिसिस. चलें अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं. देखिए LCM कैलकुलेट करने का तो हमें ज़माने से पता है. फॉर एग्ज़ाम्पल दो नंबर्स हैं जिनका LCM हमें निकालना है. ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास नंबर्स हैं 8 और 15. ठीक है, या 12 कर लेते हैं इसको फॉर सिंप्लिसिटी. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से. तो 4, 2, 6 एंड देन 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1, 3 as it is, देन 3 1. ठीक है, तो जहाँ हम डिवाइड कर सके किया, अदरवाइज वैल्यू एज इट इज़ हमने कॉपी कर ली. और हमें पता है कि LCM क्या होगा इन सब नंबर्स का मल्टीपल होगा. तो 2 into 2 into 2 into 3 into 1 into 1 विच गिव्स अस 24. तो 24 LCM आ गया हमारे पास 8 और 12 का. ठीक है, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे पास 8 और 15 है. ठीक है, और अब क्या 2 4s are 8, 15 as it is आएगा. देन अगेन 2 2s are 4, 15 as it is आएगा. 2 1s are 2, 15 as is. अब 15 के लिए नेक्स्ट मेरे पास प्राइम नंबर 3 है, तो वी नो 3 5s are 15, 1 as it is आएगा. तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2 into 2 into 2 into 3 into 1 into 5. ठीक है, और ये हमारा हो गया 120. तो 8 और 15 का LCM निकल गया, आ गया 120. लेकिन अब अगर हम ये कहें कि कंप्यूटर से ये हमें LCM निकलवाना है, तो हमें करना क्या पड़ेगा? देखिए एक तरीका तो ये है कि हम पहले से एक प्राइम नंबर की सीरीज जनरेट करें. यानी एक एल्गोरिथम हमारा ये होगा जो सिर्फ प्राइम नंबर्स को लेके चल रहा होगा डिवाइड करने के लिए. उसके बाद हम आइटरेटिवली डिवाइड करेंगे दोनों नंबर्स को, कि जहाँ तक ये नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते चले जाएँ. और आखिर में जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स रह गए उन्हें हम एक एरे के अंदर स्टोर करते रहें, और फाइनली उस एरे से निकाल के हम लोग मल्टीप्लाई कर लें सबको, हमारे पास ये LCM आ जाएगा. लेकिन ये एक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे होगा, फिर कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी बहुत हाई होगी. यानी LCM जैसा ऑपरेशन जो बहुत फ्रीक्वेंटली हम परफॉर्म करेंगे वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता. चलें एक ऑल्टरनेट वे देखते हैं हम, कि क्या ये तरीका नहीं हो सकता कि मेरे पास यही नंबर्स हैं, अगर 8 है और 15 है, ये मेरे पास अगर दोनों नंबर्स इनपुट आ गए, तो सबसे पहले मैं चेक करूं क्या 1 इन दोनों का LCM है. 1 तो होगा, खैर 1 1 के बाद 1 बेसिकली हर नंबर का एल्स जो है वो मल्टीपल होता है, तो 1 इग्नोर करेंगे. हम कहेंगे क्या 2 इनका LCM बनता है, नहीं बनता, +1 करो. क्या 3 बनता है, नहीं बनता, +1 करो. क्या 4 बन रहा है, क्या 5 बन रहा है, क्या 6 बन रहा है. ऑल द वे हम ये लूप चलाते जाएंगे जब तक इन दोनों नंबर्स से डिवाइड जब हम करेंगे मॉड लेंगे, तो
फॉर एग्जाम्पल ये नंबर्स ए और बी हैं, जब तक इन दोनों नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारे पास जीरो नहीं आ जाता, तब तक हम इसको इंक्रीज करते रहेंगे। तो ये एक सॉल्यूशन है, लेट्स ट्राई दिस। मैं कहूँगा इनपुट ए या नंबर वन, फिर इनपुट नंबर टू, नंबर बहुत लंबा हो गया, नंबर वन और नंबर टू, और हमें करना क्या है, एक लूप लगाना है वाइल वन कर लेते हैं, वाइल टू कर लेते हैं, यानी इनडेफिनिट हम लूप चला रहे हैं। तो एलसीएम क्या होगा हमारा, सेट एलसीएम, सबसे पहले तो हम कहते हैं टू, ठीक है। अब हम कंडीशन लगाएंगे इफ मॉड नंबर वन एलसीएम इज इक्वल्स टू जीरो एंड मॉड नम टू एल सी एम इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, देन रिटर्न एल सी एम। अदरवाइज एल सी एम इज इक्वल टू एल सी एम प्लस वन, उसमें इंक्रीमेंट करते रहो एल सी एम में। लेट्स सी ये प्रोग्राम हमारा फंक्शनल है या नहीं, कोड करके देखते हैं। तो ये कोड मैंने लिख लिया है, इसको टेस्ट कर लेते हैं। इनपुट द नंबर्स टू फाइंड एल सी एम, अगर मैं लेता हूँ सेवन और सिक्सटीन तो 112, लेट्स ट्राई समथिंग जिसका हमें पता है, 8 और 12 का 24 होना चाहिए, ठीक है 24 आ गया। इसी तरह अगर मैं कहूँ 7 और 15 तो ये कुछ 105, ओके हाउ अबाउट 7 और 8, 7 और 8 कंफर्म, हमारे पास दोनों का सम आए प्रोडक्ट ही आएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमारा वर्क करा, अलबत्ता छोटी सी यहाँ पे एक करेक्शन, जो ये मैंने ये लिखा है ना मॉड नम वन एल सी एम, बल्कि कन्फ्यूजन रिमूव करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एल सी एम मॉड नम, ताकि ये पता चले कि भाई जो एल सी एम है वो न्यूमिरेटर में है और नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में है, नॉट दी अदर वे राउंड। तो ये कन्फ्यूजन ना हो। ओके दैट्स दिस इज वर्किंग। अच्छा ये हमारे पास ठीक है, चल रहा है, फंक्शनल है, लेकिन अब ये प्रोग्राम जितनी एग्जीक्यूशंस चल रही है इस प्रोग्राम में, क्या हम उससे बेहतर कुछ कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास इनपुट आ रहा है 8 और 12, ठीक है दो नंबर्स मैंने इनपुट जो लिए 8 और 12 है, हमें ये कम से कम ये तो पता है ना कि भाई 2 से स्टार्ट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है 12, इससे तो छोटा पॉसिबल ही नहीं एलसीएम होना। तो हमारा जो एलसीएम है वो कम से कम 12 तो होगा, बिकॉज 12 बाई 12, 12 इज दी स्मॉलेस्ट नंबर, यानी यहाँ पे जो भी हो ठीक है, हमें तो 12 को भी डिवाइड करके देखना है ना। अब इससे छोटा अगर कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, तो इस वजह से हम क्या
इसको स्पीड अप नहीं कर सकते प्रोसेस को, के बजाय हम टू से स्टार्ट करें, 2, 3, 4, 5, 6 ऑन ऑल द वे, हम 12 से स्टार्ट कर लें जो इन दोनों में से बड़ा बड़ी वैल्यू है। तो ये छोटा सा ये हमारा जो स्टेप है, ये जो ऑप्टिमाइजेशन है, ये हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स को कम कर देगी, हमारा एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज डिक्रीज करेगी। तो लेट्स डू दिस, मैं अपने कोड में स्यूडो कोड में मॉडिफिकेशन करता हूँ। हम कहते हैं इफ नम वन इज ग्रेटर देन नम टू पहले हम इसको नम वन सेट कर देते हैं, और यहाँ कहते हैं लेस देन टम नम टू। तो जाहिर है अगर नंबर वन छोटा है, हमें तो सबसे बड़ा नंबर देखना है ना जहाँ से स्टार्ट करना है, तो हम कहेंगे कि एल सी एम इज इक्वल्स टू नम टू। इस तरह मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, एल सी एम का जो काउंटर स्टार्ट होगा वो इन दोनों में से मिनिमम नंबर से होगा। तो कोड में इसको मॉडिफाई करके देखते हैं, इट्स वर्किंग। यहाँ पे मैं सीधा सीधा ये भी कर सकता हूँ, नम वन लेस ग्रेटर देन नम टू चेक, इफ सो देन नम वन अदरवाइज नम टू। ठीक है, देखते हैं इफ दिस वर्क्स। 8 एंड 17। ठीक, अच्छा, अब मैंने यहाँ पे कहीं काउंट नहीं किया कि पहले कितनी एग्जीक्यूशंस हो रही थी, अब कितनी एग्जीक्यूशंस हो रही हैं, बट इट्स वेरी ऑब्वियस कि हमारी जो वैल्यू स्टार्टिंग ही कहाँ से हो रही है, जो दोनों में सबसे बड़ा नंबर है वहाँ से। ठीक, तो एक छोटी सी हमने ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे ये की कि जो स्टार्ट हो रहा है हमारा लूप जिस वैल्यू से एलसीएम की, वो हमने आगे बढ़ा दी, सो दैट वी डोंट हैव एक्स्ट्रा एग्जीक्यूशन, एक्स्ट्रा स्टेप्स हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं हो रहे। तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा हो गया ऑप्टिमाइज, इसको कहते हैं हम ऑप्टिमाइजेशन। क्या हम इससे बेहतर कर सकते हैं? द आंसर इज यस, लेकिन इससे पहले कि हम उस मेथड को डिस्कस करें, पहले मैं आपको एक रिलेशन बता दूं कि एलसीएम दो नंबर्स का, फॉर एग्जांपल ए बी है, ये बराबर होता है ए इंटू बी डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ ए एंड बी। तो ये रिलेशनशिप है एलसीएम और जीसीडी का। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो पहले हम जीसीडी निकाल लें और जीसीडी से डिवाइड कर दें उन दोनों नंबर्स का के प्रोडक्ट को जिनका एलसीएम हमें निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर वही हम मिसाल ले लेते हैं, हमारे पास 8 और 12 ये दो नंबर्स हैं, ए इज इक्वल्स टू 8, बी इज इक्वल्स टू 12। तो हम कहेंगे 8 इंटू 12 इज 96 डिवाइडेड बाय वॉट। अब हमें पता है ना कि 12 और 8 के दरमियान जो सबसे बड़ा कॉमन डिविज़र है वो क्या है, 4 है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी एक सवाल आएगा कि भाई जीसीडी खुद कैसे निकालना है, हम उसके ऊपर आते हैं। अभी तो हम इसकी वैलिडिटी ही चेक करते हैं कि क्या ये हमारा मेथड बिल्कुल सही है या नहीं। सो 96 डिवाइड बाय 4 इज 24। ठीक है, विच मीन्स जो हमने पहले कैलकुलेट भी किया था 8 और 12 का एलसीएम 24 ही निकल रहा था, इसका मतलब है ये फॉर्मूला बिल्कुल एप्लीकेबल है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एल्गोरिथम को तो हम इजीली कह सकते हैं अपने एल्गोरिथम को मॉडिफाई करके कि भाई सीधी बात है एलसीएम निकालना है ना, तो पहले जीसीडी निकाल लो और उसके बाद क्या रिटर्न कर लो, रिटर्न हमें क्या करना है, सेट
LCM is goes to num1 into num2 divided by GCD, or finally return LCM. तो बस इतनी सी चार पांच स्टेटमेंट्स में हमारा काम हो जाएगा. लेकिन बहरहाल हमारे पास काम इतना सादा नहीं है. हमने कहा भाई GCD भी तो कैलकुलेट करना है हमें. GCD कैलकुलेट कैसे करें, ये पता चला कि LCM कैलकुलेट करने के चक्कर में जितने हम स्टेप्स लगा रहे थे उससे ज़्यादा स्टेप्स हमारे पास GCD कैलकुलेट करने में लग गए. तो GCD कैलकुलेट करने का एक क्विक मेथड है यूक्लिडियन एल्गोरिथम. हम वो यूज़ करेंगे यहाँ पे. यूक्लिडियन एल्गोरिथम ये कहता है, इसको मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर दूँ. ओके, यूक्लिडियन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू कैलकुलेट GCD. मिसाल के तौर पे मेरे पास दो नंबर्स हैं, मैं टेबल बना लेता हूँ. और ये मेरे पास नंबर वन, नंबर टू और रिमाइंडर एक चीज और स्टेप. ठीक है, स्टेप वन मेरे पास एक नंबर है 8 और एक नंबर है 12. जो बड़ा नंबर है 12 उससे आप डिवाइड करेंगे किस नंबर से, छोटे नंबर से 8 से, और रिमाइंडर आपने नोट कर लेना है. 12 डिवाइड बाय 8 रिमाइंडर आएगा 4. नेक्स्ट स्टेप में ये जो नंबर 1 है ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 4 और नंबर 2 बनेगा 8. ये रिमाइंडर आपने याद रखना है 4. ठीक है, अब दोबारा डिवाइड करें. अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये हमारा फाइनल GCD हो जाएगा. एक और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. मिसाल के तौर पे मेरे पास दो नंबर्स हैं, लेट्स से 12 और 20. ठीक है, बल्कि 20 नहीं, कोई ऐसा जो 12 और 18 कर लेते हैं. नाउ लेट्स सी 18 बाय 12 रिमाइंडर का क्या बनेगा, 6. ठीक है, स्टेप वन. स्टेप टू, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया. दोबारा आपने डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 0. इसका मतलब है 6 वॉज माई GCD. अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो, दो तीन आइट्रेशंस निकल जाएं, तब हमें पता चले कि हाँ भाई ये बिल्कुल मेथड 100% काम करता है. लेट्स से हमारे पास दो नंबर्स हैं 48 और 18. ठीक है, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, नंबर वन 48. 48 को हम डिवाइड करेंगे 18 से. 48 बाय 12, 18 टू 36 एंड 12 विल बी द रिमाइंडर. ठीक है, स्टेप टू, ये 18 अब किसकी जगह आएगा, बड़े नंबर की जगह 18, और यहाँ आ गया 12. दोबारा हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 6. वंस अगेन दिस बिकम्स 12, ये हो जाएगा 6. और अब जब हम डिवाइड करेंगे तो यू गेट अ 0 रिमाइंडर. इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर्स 6 से डिवाइड हो सकते हैं. 6 विल बी द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर.
ठीक है। आप ये देखें, 6 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है, 48, 18 जो जिससे दोनों नंबर्स डिवाइड हो सके। तो ये हमारे पास एक यूक्लिड का एल्गोरिदम है जो बहुत स्पीड से जीसीडी कैलकुलेट करके देता है। तो हम अपने प्रोसेस में इसको इंक्लूड करेंगे, और या हम कैलकुलेट करेंगे जीसीडी। अब जीसीडी कैलकुलेट करने के जो स्टेप्स हैं वो हम लिख देते हैं अपने स्यूडो कोड में। तो हम एक लूप चलाना है कब तक, जब तक रिमाइंडर बिटवीन लार्ज स्मॉल, बल्कि मैं पहले एक काम कर लेता हूँ, दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ, ए और बी। ठीक है, मैं कहता हूँ सेट ए इक्वल्स टू मिनिमम नम वन नम टू, जो भी वैल्यू मिनिमम है वो ए बन जाएगी, और जो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू है वो बी बन जाएगी। अब ये इसको आप कोड में, कोड लेवल पे इफ एल्स से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, और मुझे एक लूप चलाना है वाइल रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक अच्छा, पहले हम रिमाइंडर भी एक ले लेते हैं, इससे सेट रिमाइंडर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा अब हमें रिमाइंडर रिकैलकुलेट करना है लूप लूप के अंदर हर स्टेप में। तो मैं कह रहा हूँ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू बड़ी वैल्यू कौन सी है, बी, छोटी वैल्यू है ए, बी मॉड ए। ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा इसमें। इसके बाद क्या करना है, हमने जो स्टेप्स देखे थे, हम स्वैप करते हैं वैल्यूज़, यानी रिमाइंडर क्या बन जाता है, जो छोटी वैल्यू थी वो उसे हम रिप्लेस करते हैं रिमाइंडर से, और जो बड़ी बड़ा नंबर था उसे हम रिप्लेस कर देंगे छोटे नंबर से। तो यहाँ हम कहेंगे ए इजिकल्स टू बी और बी इजिकल्स टू रिमाइंडर। ठीक, तो इस तरह जैसे ही मेरे पास रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मिसिंग है, सेट जी सी डी इक्वल्स टू जीरो कर दो फिलहाल इसको, नहीं मैं इसको थोड़ा सा रीराइट करता हूँ, रिमाइंडर को छोड़े, हम कहते हैं जी सी डी 1 1, कम अज 1 तो होगा ही। अगर दो दो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ 7 और 8 की, तो इन दोनों का सबसे बड़ा डिविज़र कौन सा, 1 ही होगा। तो अगर कोई कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता तब भी वी हैव 1। ठीक है, तो करूँगा मैं ये कि वाई बी मॉड ए इज़ नॉट इक्वल टू कि जैसे ही बी मॉड ए 0 हो जाए तो मैं इसको क्विट कर दूं। अब मैं कहूँगा जी सी डी इज इक्वल्स टू बी मॉड ए, ए इज इक्वल्स टू बी। वैसे मैं ये भी कर सकता हूँ कि जो बी की वैल्यू है लास्ट, उसको मैं पिक कर लूँ एज माय फाइनल आउटपुट, क्योंकि सेट तो मैं वैसे ही करवा चुका हूँ। लेट्स जस्ट सी, अगर कोई इसमें इशू होगा तो कोड लेवल पे आ जाएगा, या फिर हम ड्राई रन भी कर सकते हैं। चलें इसको थोड़ा सा ड्राई रन कर लेते हैं। अगर मैं अज्यूम करूँ कि मेरे पास ए है 8,
और बी आ गया मेरे पास 12, ठीक है। पहले ये जी सी डी 1 है, इन दोनों का मॉड निकालेंगे, 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो जो भी मॉड आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा, उसको हम जी सी डी बना देंगे। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्या स्टोर हो जाएगा, 4, सही है। अब ए की वैल्यू हो गई इक्वल्स टू 8, और बी हो गया मेरे पास बी इक्वल्स टू 4, ठीक है। दोबारा यहाँ पे आएंगे, कैलकुलेट करेंगे, 8 / 4 0 आ जाएगा। मज़ीद जी सी डी कैलकुलेट नहीं करना, जो भी लास्ट था जी सी डी वो मेरी एक्चुअल वैल्यू होगी, तो दिस शुड वर्क। रिटर्न एल सी, ये मेरा एल्गोरिथम तैयार हो गया। मैं इसको कोड करके देखता हूँ, थोड़ी सी मुझे फॉर रेफरेंस। दोनों नंबर्स मैंने ले लिए इनपुट, और पहले मैंने कह दिया जी सी डी इज इक्वल्स टू 0, मैं पहले ही अगर ले चुका हूँ तो क्या ज़रूरत है मुझे। और ए इज इक्वल्स टू मैंने कह दिया फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी, इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 तो मैं कहूँगा बी इज इक्वल्स टू 1, ए इज इक्वल्स टू नम 2, ठीक है। बड़ी वैल्यू बी में आएगी, एल्स बी इज इक्वल्स टू नम 2, ए इज इक्वल्स टू नम 1। ये थोड़ी इसको इनफैक्ट ये इतनी उसमें ज़रूरत है भी नहीं जाने की, मैं ये भी कर सकता हूँ नम 1, ठीक। इसको मैं रिमूव करता हूँ, और अब मुझे चलाना है वाइल लूप, कहाँ तक, वाइल बी रिमाइंडर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब तक ये लूप चलता रहे, और करेगा क्या, जी सी डी इज इक्वल्स टू बी नॉट ए, ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू जी सी डी, ठीक है। और यहाँ मैं रिटर्न कर दूँगा क्या, नम 1 इंटू नम 2 डिवाइड बाई जी सी डी। चलिए देखते हैं ये प्रोग्राम अब सही चल रहा है हमारे पास या नहीं। लेट्स ट्राई अगेन, 48 और 18 जो हमने किया था, 72 एलसीएम, ओके एक बार और ट्राई करते हैं। अच्छा ऐसा नंबर ट्राई करते हैं 7 और 8 जिनका पॉसिबल ही ना हो, हाँ ठीक है। तो दिस इज़ वर्किंग, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या ये प्रोग्राम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस को रिड्यूस कर रहा है या नहीं, ये वाकई ऑप्टिमल है भी, या हम ऐसे ही बिला वजह ही हमने एक अच्छे भले चलते प्रोग्राम को और कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो यहाँ हम थोड़ा सरसरी सा एनालिसिस करते हैं यूजिंग जस्ट सम कॉमन सेंस। पुराना प्रोग्राम हमारा क्या कर रहा था, अगर मैंने कहा है 8 और 12, तो एक लूप स्टार्ट होता था 8 से, ठीक है, 8 चेक होता था, 9 चेक हुआ, 10 एंड ऑल द वे अंटिल वी हैव 24, ठीक है, नॉर्मल सिम 24 है। अब यहाँ अगर मैं देखूँ कि वैल्यू मेरी स्टार्ट हुई
आठ से लेके 24 तक, ठीक है, तो इसका मतलब है 16 टाइम्स मेरा लूप चला, 16 टाइम्स चला, ठीक है। तो क्या मेरा ये जो प्रोग्राम है अब इससे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस रन क्या ये रिड्यूस हुई है या नहीं? सिर्फ ये लूप की अगर हम बात करें, बाकी स्टेटमेंट्स तो खैर कांस्टेंट है। लूप मेरा 16 टाइम्स चल रहा था पहले, अब कितनी मरतबा चल रहा है? अब देखते हैं, 8 और 12, सबसे पहले मेरा लूप चलेगा तो 12 रिमाइंडर 8 निकलेगा, ठीक है, और वैल्यू आ गई 1। ये एक मरतबा चला, दूसरी मरतबा क्या होगा? 8 4 रिमाइंडर 0, दैट्स इट, जीसीडी कैलकुलेट हो गया। उसके बाद सिर्फ एक स्टेटमेंट मैंने और एग्जीक्यूट की है और मेरे पास एलसीएम निकल के आ गया। अब अगर मैं एक दूसरी एग्जांपल लेता हूँ, 48 और 18 वाला जो नंबर था इसको देख लेते हैं हम लोग। एलसीएम ले अगर हम एलसीएम लेने बैठे तो ये कहाँ तक चलेगा? पहली बात तो 48 और 18 का एलसीएम है क्या? तो ये इसी प्रोग्राम को हम रीयूज़ करते हैं और निकाल लेते हैं। 48 और 18 का एलसीएम है 72, ठीक है। तो लूप मेरा स्टार्ट हुआ है 14 से, ऑल द वे टू 72 चल रहा है, ठीक है। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, लूप कितनी मरतबा रन हुआ? 54 टाइम्स, सही है, लूप रन हुआ 54 टाइम्स। अब ज़रा हम अपने यूक्लिडियन जीसीडी वाले मेथड पे आते हैं। क्या 48 फर्स्ट टाइम क्या होगा? 48, 18 रिमाइंडर क्या निकला? 18 18 36, 36 और 12 48, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 12। सेकेंड इटरेशन 12, सॉरी 18, रिमाइंडर 12। अब मेरे पास क्या आ गया? 6। थर्ड इटरेशन 12, 6, मेरे पास रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। तीसरी इटरेशन में मेरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। तो इससे ये तो साबित हो जाता है कि हमारा ये जो मॉडिफाइड प्रोग्राम है एलसीएम कैलकुलेट करने का, ये पिछले प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। यानी कोई मार्जिनल नहीं, ये सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत स्पीड से वो जीसीडी तक पहुंच रहा है, ठीक है। जीसीडी बहुत स्पीड से कैलकुलेट हो रहा है, उसकी वजह से आपका एलसीएम भी कैलकुलेट हो रहा है। अच्छा, इसका एक और भी फ़ायदा है कि आप चाहें तो जीसीडी निकालने का एक फंक्शन अलग कर लें, तो आपके पास दोनों फंक्शन आ जाएंगे, एलसीएम भी निकालने के लिए और जीसीडी निकालने के लिए भी। लेकिन खैर, वो तो सिर्फ एक प्रोग्रामिंग आर्टिकुलेशन का एक स्टेप है। हम कोड को जो हमारा फाइनल हो गया है यहाँ कॉपी कर देंगे। जिसको हम टेस्ट पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। ये एल्गोरिथम हमारा स्यूडो कोड कंप्लीट हो गया उस प्रोग्राम का, जो क्या कर रहा है? एलसीएम फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की तरफ, वे एग्जीक्यूशन टाइम इसका क्या होगा। मैं इसी को दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूँ एक टेबुलर फॉर्म में, ताकि एनालिसिस में आसानी रहे। क्या हुआ? ये फॉर सम रीजन, ठीक है, चलो इसको हम अब बारी बारी देख लेते हैं कितनी स्टेटमेंट्स रन हो रही हैं। 1 2 3 4 5, इसका तो कोई मसला ही नहीं है ना, ये तो वन टाइम्स चल रही है। असल बात क्या है कि ये हमारा लूप कितनी मरतबा चलेगा, और अगेन लूप के अंदर जो भी वैल्यूज है ये 3 टाइम्स ही चल रहे हैं। तो असल तो क्वेश्चन ये है कि लूप कितनी मरतबा रन होगा।
अब ये लूप कितनी मरतबा चलता है इसकी असेसमेंट के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर है हमारे नंबर वन और नंबर टू, ये किस रेट से डिक्रीज हो रहे हैं, इनकी वैल्यू किस रेट से डिक्रीज हो रही है। पहली बात, अगर मेरा नंबर है 20 और नेक्स्ट मेरी स्टेट कम से कम क्या हो सकती है, कम से कम से मुराद ये कि ये नंबर रिड्यूस होके क्या हो सकता है मिनिमम, यानी क्या ये नंबर वन हो सकता है, नहीं वन नहीं हो सकता, ठीक है 20 अगर डिवाइड हो रहा है तो किससे डिवाइड होगा, अपने से छोटे किसी नंबर से, ठीक है, क्योंकि अगर वो 20/20 है इसका मतलब तो जीसीडी हमारे पास वैसे ही निकल आई आ गई, मतलब सॉल्यूशन वैसे ही आ गया, दैट्स नॉट द पॉइंट। हमारे पास अगर 20 है तो अपने से किसी छोटे नंबर से डिवाइड होना है उसने, तो कौन से नंबर से हम डिवाइड करें इसको कि आंसर कम से कम मिनिमम से मिनिमम आए, यानी इस जो ये जो नंबर है पूरा डिप्लीट हो जाए, डिक्लाइन हो जाए, नहीं अपनी लोएस्ट स्टेट पे चला जाए। तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो जाके मेरे पास 2 आएगी वैल्यू, ठीक है, उसके अलावा मैं किसी भी नंबर से डिवाइड कर लूँ जो रिमाइंडर है वो 2 से ग्रेटर, 1 तो नहीं आ सकता, ठीक है 1 नहीं आ सकता रिमाइंडर। अब आप कह सकते हैं कि 1 क्यों नहीं आ सकता, इसको मैं 20 को 19 से डिवाइड करूं, 19 20 से छोटा है रिमाइंडर 1 आएगा, तो भाई यहीं पे तो हमारा एल्गोरिथम स्टॉप हो रहा होता है, अगर ये 1 आ गया तो ये तो आखिरी स्टेज है, इसके बाद तो और कुछ है ही नहीं, तो हम तो बात कर रहे हैं एल्गोरिथम आगे चले, उसके लिए हमें 10 चाहिए वो वैल्यू जिस पे ये 20 रिड्यूस हो जाए एज मच एज पॉसिबल। तो अगर मैं लेता हूँ 10 तो 2 आ गया, अच्छा अगर मैं बात करूँ 20 डिवाइड बाय 5 तो क्या होगा, 4 आ जाएगा। मैं अगर बात करता हूँ 20 डिवाइडेड बाय 4 तो आंसर 5 आ जाएगा, कुछ भी है 2 होगा 4 होगा 5 होगा कोई भी और नंबर हो सकता है, लेकिन 2 से छोटा नंबर नहीं हो सकता ये, किसी भी केस में आप उठा लें 2 से छोटा नंबर नहीं होगा। 2 आने का मतलब ये हो गया कि जीसीडी हैज हाफ्ड, राइट, यानी जीसीडी की जो वैल्यू थी वो आधी हो गई, ये एक केस है, 2 से छोटा नहीं हो सकता। दूसरा केस ले लेते हैं, कौन सी वैल्यू है जिससे मैं डिवाइड करूंगा कि आंसर बड़े से बड़ा आ जाए, यानी फॉर एग्जांपल मैं अगर 2 से इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 2 क्या है 20 से छोटा है, और इसको डिवाइड करने के बाद, अच्छा सॉरी एक एक चीज़ मैंने जो पीछे कही है वो गलत कही है, ये जो मैंने 20/2 किया है तो ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ, ये एक्चुअली 10th हो गया, 1/10th हो गया, बिकम्स 1/10th ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे मैं कह दूंगा कि बिकम्स हाफ ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, 2 से डिवाइड करने पे ये वैल्यू हाफ हो गई। अब इसके अलावा कोई भी मेरे पास नंबर आ जाए 10 से या तो कम होगा आंसर या 2 से ऊपर होगा, तो 2 मेरी एक लिमिट है 10 मेरी दूसरी लिमिट है, यानी अगर ये रिड्यूस हुआ भी तो स्लोली स्लोली रिड्यूस होके भी स्लोएस्ट रिडक्शन क्या होगी, डिवाइडेड बाय 2, बाइनरी वाले केस, और फास्ट और ज्यादा से ज्यादा किस स्पीड पे रिड्यूस हो गए नंबर,
टेंथ डिवाइड बाई टेन। अगर मैं ये बात करता हूँ कि ये नंबर रिड्यूस हो रहा है, हाफ हो रहा है, हमें पता है बाइनरी की केस में, बाइनरी सर्च के केस में हमने ये काम किया था, तो उसके उसमें हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आती थी टाइम की, लॉग टू ऑफ एन, राइट। अब यहाँ पे एन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, ए। ए क्यों? क्योंकि ए रिप्रेजेंट्स द मिनिमम वैल्यू, राइट। तो मिनिमम वैल्यू है ना हमारी डिनोमिनेटर में, तो ये आ सकता है हमारे पास लॉग टू ऑफ ए इस कंडीशन में, या फिर लॉग टेन आ सकता है इस सिचुएशन में। लॉग टू से बड़ा हो सकता है, लॉग टेन से छोटा हो सकता है, लॉग टू से छोटा नहीं हो सकता, लॉग टेन से बड़ा नहीं हो सकता। यानी इन अदर वर्ड्स हमारा ये एल्गोरिदम जो जीसीडी कैलकुलेट कर रहा है, वो कैलकुलेशन के दौरान जब आइट्रेशंस परफॉर्म होती हैं तो जीसीडी की वैल्यू बहुत स्पीड से भी अगर रिड्यूस होती है तो लॉग 10 होगी, इससे ज़्यादा स्पीड से रिड्यूस नहीं होती, और बहुत स्लोली अगर रिड्यूस हो रही है तो भी कम अज़ कम लॉग 2 के रेट से रिड्यूस होती है, ठीक है। यानी इससे ज़्यादा स्लो नहीं हो सकती उसका रिडक्शन का प्रोसेस। तो यहाँ पे हम या तो 2 एक लिमिट लेंगे या 10 एक लिमिट लेंगे। अब यहाँ अगर हमें लिखना ही है कि यहाँ मैं क्या लिखूँगा, लॉग 2 लिखूँगा या 10 लिखूँगा, मैं लिख दूँगा के, ठीक है, सिंपल रखने के लिए मैंने फ़िलहाल लिख दिया के लॉग के ऑफ ए, लॉग के ऑफ ए, लॉग के ऑफ ए। क्यों भाई? ये वो इतनी मरतबा चलेगा क्योंकि ये आइटरेटिवली रिड्यूस हो रहा है नंबर, ठीक है, एक्सपोनेंशियली रिड्यूस हो रहा है तो ये दोनों ही वैल्यूज़ आप देखें एक्सपोनेंशियली हैं, एक्सपोनेंशियली ही रिड्यूस हो रहा है। तो 1/2 बोल दें या 1/10 बोल दें, तो 1/2 है, फिर 1/2 की पावर 2 होगा, फिर 1/2 की पावर 3 होगा, इसी तरह 1/10 की पावर 1 होगा, 1/10 की पावर 2 होगा, 1/10 की पावर 3 होगा, एंड सो ऑन। तो मेरे पास ये दो केसेस आ गए। अब ये दो केस हाथ हो गए हैं, मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ मैं क्या लिखूँगा, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू, ये है टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस 4 इंटू लॉग के ऑफ ए, वेयर के की वैल्यू क्या है, 10 से कम है, 10 या 10 से कम है, और 2 या 2 से ज़्यादा है, राइट। या मैंने बता दिया कि भाई इसका टाइम निकालना हो तो उसकी इक्वेशन क्या है, क्योंकि हम देखें रिप्रेजेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, ए ही हमारे पास वेरिएबल है, के हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू होगी। अब यहाँ पे हमारे पास फिक्स वैल्यू तो नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि कभी 2 होगा, कभी 10 होगा, वॉट एवर द केस, बिकॉज रीज़न क्या है, देखें ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई भी नंबर होगा तो वो रिड्यूस होगा सबसे पहले अगर 10 से डिवाइड हो तो 10/10 ही होता जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी ऐसा होता है मेरे पास लॉग, और कभी मेरे पास नंबर जो है ए डिवाइड हो रहा होगा 10 से, कभी ए डिवाइड हो रहा होगा 5 से, कभी ए डिवाइड हो रहा होगा 3 से, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो टाइम मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। असल यहाँ पे जो सवाल है ना, जो हमारे पास यूजुअली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड केस होता है कि भाई अपर बाउंड लिखना है, लोअर बाउंड लिखना है, कौन सी वैल्यू उठाऊंगा मैं, लॉग के ऑफ ए लिख दूंगा, बात ही ख़त्म, लॉग अंडरस्कोर के ऑफ ए, राइट। रॉन्ग, यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, बिकॉज आपने के कैसे लिख दिया, के की कौन सी वैल्यू भाई। तो यहाँ पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है। मैं बात करूँ अपर बाउंड की, अपर बाउंड का मतलब ये है कि फंक्शन एन के ग्रो होने से, या इस केस में ए के ग्रो होने से ज़्यादा
किस रफ्तार से ग्रो होगा, ज्यादा से ज्यादा किस रफ्तार से ग्रो होगा, से मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका टाइम कितना ज्यादा बढ़ सकता है उससे ज्यादा ग्रोथ ना हो। तो हमारे पास के की वो वैल्यू है 2, लॉग 2 वो वैल्यू है जो कहते हैं कि भाई डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 की पावर आ रही है समथिंग, तो मेरा एल्गोरिथम स्लोली रिड्यूस हो रही है, यानी कि एक ही वैल्यू स्लोली कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे एक ही वैल्यू बढ़ रही है मेरे पास एल्गोरिथम टाइम ज़्यादा लेता जा रहा है। इससे ज़्यादा जो है वो स्लो नहीं हो सकता, यानी इससे ज़्यादा स्लो नहीं हो सकता एक एक ग्रो होने से। ज़्यादा ज़्यादा स्पीड अगर स्लो हुई तो इतनी होगी, ये लॉग 1.5 कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो मेरा अपर बाउंड इस तरह से निकल गया। तो यहाँ पे आपने ये नहीं लिखना है अपर बाउंड लॉग 10 आ गया, अपर का मतलब ये समझ लिया कि भाई यहाँ 10 अपर लिमिट है ना यहाँ पे, तो यहाँ मैंने लॉग 10 लिख दिया। नहीं, हमें ये देखना है कि स्लोएस्ट से स्लोएस्ट ग्रोथ के की कौन सी वैल्यू पे हो रही है। ठीक है, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, लेकिन यहाँ पे साथ एक और भी चीज़ है। ये वो केस है जहाँ पे आपको लोअर बाउंड भी बताना पड़ेगा, मतलब ये बता रहा है कि मेरा फंक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना स्लो हो सकता है, उसकी ग्रोथ ज्यादा से कितनी स्लो हो सकती है, और ये मेरा बता रहा है कि भाई कम से कम इतना तो स्लो होगा ही होगा, इससे इससे कम स्लो नहीं हो सकता। यानी ए की वैल्यू जो मेरी डिक्रीज हो रही है ना, वो ऑर्डर ऑफ 10 के साथ डिक्रीज हो रही है, यानी 1000 थी तो फिर 100 हो सकती है, 10 हो सकती है, फिर 1 हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। यानी ये नहीं हो सकता कि 1000 के बाद 50 पे आ गया, और ये नहीं हो सकता 50 के बाद जो है ना अब 0 पे आ गया। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और इधर क्या हम क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई 100 एंड 1000 है ना, तो 1000 के बाद ये हाफ हो सकता है 500, उसके बाद ये इसका हाफ हो सकता है 250, उसके बाद ये इसका हाफ हो सकता है 125 एंड सो ऑन। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 1000 के बाद मेरे पास जो अगली आइटरेशन में नंबर आ रहा हो वो 800 आ रहा हो। तो यहाँ पे इसका ये मकसद है कहने का, और ये सारी बातें हम कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन के आस्पेक्ट से। आप हो सकता है एक एक दो कोई नंबर ऐसे ले आए कि नहीं भाई ये बात तो गलत साबित हो रही है, तो हम कहेंगे सारी आइटरेशंस चलाएं आप और फिर ये बताएं लॉग क्या आ रहा है, यानी कितनी नंबर ऑफ आइटरेशंस कितनी है। अगर मेरे पास नंबर ए की वैल्यू अगर है फॉर एग्जाम्पल 1000, तो जब इसका आप लॉग लेंगे, लॉग 2 लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उससे ज़्यादा आइटरेशंस हो रही है क्या, उससे ज़्यादा आइटरेशंस नहीं होंगी। और जो भी वैल्यू है 1000 अगर हमने यहाँ ले ली, उसका लॉग 10 ले लिया, तो आप कह रहे हैं कि भाई इससे कम आइटरेशंस नहीं हो सकती, कम से कम इतनी आइटरेशंस तो होनी ही होनी है। ये है कॉन्सेप्ट लोअर बाउंड और अपर बाउंड का, जो अक्सर हमारे पास जो एल्गोरिदम्स में मोस्टली तमाम तकरीबन केसेस जो हमने देखे हैं उनमें डिफरेंस कोई नहीं था, जो अपर बाउंड है वही लोअर बाउंड है, सिवाय ये पहला हमारे पास केस है जिसमें अपर बाउंड अलग है और लोअर बाउंड अलग है। तो आई होप कि ये जो लेक्चर है इसमें जो हमने एनालिसिस किया है ये समझ में आया होगा। यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हुआ, अपर बाउंड और लोअर बाउंड में जो हमने कहा था ना कोई डिफरेंस नहीं होता उमूमन सिवाय चंद एक केसेस के, तो ये हमने पहला केस ऐसा डिस्कस किया है यहाँ पे। ठीक है, तो बेशक इस एल्गोरिदम की जो ग्रोथ है वो लॉगरिथमिक है, लेकिन लॉगरिथमिक में भी हमारे पास दो डिफरेंट बाउंड्स आ गए। छोटी सी मॉडिफिकेशन मैंने कोड में ये की है कि नंबर ऑफ स्टेप्स में प्रिंट करवा रहा हूँ कितने लगे। ठीक है, ये आप मल्टीपल वैल्यूज़ डाल के असेसमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ वही 12 और 50, ठीक है, तो ये एक ही स्टेप में हो गया मेरे पास। ठीक है, और मैं अगर कोई और वैल्यू देता हूँ फॉर एग्जांपल 43 और 50, तो दो स्टेप्स लग गए।
कोई और केस है अगर 20 और 11 है तो तीन स्टेप्स लग गए मुझे, तो ये बता रहे कितने स्टेप्स मैक्सिमम मुझे ये लूप चलाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप कि ये वैल्यूएबल लगी होगी आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ।